रुक करते हैं यार प्रदेश की ओर। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर भीड़ बिलिंग घाटी में मानसून के चलते टैंडम पायलटों, सोलो पायलटों व टैंडम ऑपरेटरों के लिए भीड़ बिलिंग घाटी में फ्लाइंग ना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम के चलते भीड़ बिलिंग घाटी के सभी पायलटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक किसी भी प्रकार की उड़ान ना भरें, और यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विश्वविख्यात पैराग्लाइडिंग के लिए शुमार भीड़ बिलिंग घाटी में मानसून के चलते सभी सोलो पायलटों व टैडम ऑपरेटरों को बिलिंग घाटी में फ्लाइंग ना करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा ने बताया कि बरसात के मौसम के चलते भीड़ बिलिंग घाटी के सभी पायलटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 जुलाई से 15 सितंबर तक किसी भी तरह की उड़ान ना भरें। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पर्यटक बिलिंग घाटी में उड़ान करने ना आए और ना ही कोई उड़ान होगी। इस दौरान सभी उड़ानें सोलो व टैडम दोनों बंद कर दी गई हैं। पैराग्लाइडिंग को हमने मौसम को देखते हुए थोड़ा जल्दी बंद कर दिया है, क्योंकि 15 जुलाई से बंद होनी थी, अब 9 जुलाई से बंद हो चुकी है, ये 15 सितंबर तक बंद रहेगा। क्या इसके कारण पीछे का क्या रहेंगे? बंद का कारण क्या है? बंद का कारण मौसम खराब होने की वजह है। मानसून जल्दी आ गया है, मौसम खराब चल रहा है, इसलिए कोई ऐसा खराब इंसिडेंट ना हो किसी के साथ, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जल्दी बाजी। किसी तरह की फ्लाइट पे प्रतिबंध है कि कोई कुछ फ्लाइट जी, चलेगी? जी नहीं, हर हर फ्लाइट पर आदेश पारित कर दिए हैं, उनके पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध।